नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स और मैं हूं आपके साथ गिरिराज सिंह राठौड़। आपने अक्सर हिंदी फिल्में तो देखी होंगी और हिंदी फिल्मों के कुछ दृश्यों के कारण परिवार के सभी सदस्य असहज महसूस करते हैं, जिसे मुद्दा बनाकर पत्रकारों ने खूब कागज स्याह किए हैं। लेकिन आज पत्रकारिता के गिरते स्तर के लिए जिम्मेदार कुछ स्वयंभू वरिष्ठ पत्रकारों की हरकतों को जब आप देखते और सुनते होंगे तो एक सवाल तो जरूर आपके मन में आता होगा कि क्या टीवी समाचार भी अब परिवार के साथ देखने और सुनने लायक नहीं रह गए हैं। यकीनन संविधान के निर्माताओं ने संविधान लिखते हुए पत्रकारिता को स्वतंत्र रखते हुए ये सोचा भी नहीं होगा कि आगे चलकर पत्रकारिता का स्तर इस कदर नीचे गिर सकता है कि टीवी पर समाचार देखना भी किसी अश्लील फिल्म देखने से कम नहीं होगा। और देश की जनता को शराब के नशे में चूर किसी एंकर को समाचार पढ़ते हुए देखना और सुनना होगा। जी हाँ, जनरल बिपिन रावत की बात कर ले हम, तो जनरल बिपिन रावत की बात करते करते मेरे दिमाग से जितनी बार मैं उनसे मिला हूं उसका 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 जो सेंटिमेंट है ना वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। और मैं सिर्फ दर्शकों को यही कहना चाहता हूं कि हमने कैसा जर्नलिस्ट खो दिया है। संविधान निर्माताओं ने तो शायद ये भी नहीं सोचा होगा कि टीवी चैनल्स पर यूं खुलेआम अश्लील गालियां भी सुनाई जाएंगी। ये देखिए, जब तत्व जो तालिबानी हैंगिंग पर गर्व महसूस करते हैं, वह अराजक तत्व जो इस देश के कानून को झट भी नहीं समझते हैं, झट भी नहीं समझते हैं, झट भी नहीं समझते हैं, झट भी नहीं समझते हैं। यहां हम संविधान द्वारा दिए गए किसी भी अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे स्वयंभू वरिष्ठ पत्रकारों की जिनके कारण आज समस्त पत्रकारिता की प्रासंगिकता पर ही सवाल उठने लगे हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि मीडिया ऐसा है, मीडिया वैसा है, लेकिन कुछ पत्रकारों की वजह से, और सवाल उठे भी क्यों नहीं। समाज को नसीहत देने वाले पत्रकार ही जब ऐसी हरकत करें तो सवाल उठना लाजमी है। देश के एक प्रतिष्ठित चैनल के दो टीवी पत्रकारों द्वारा रिश्वत मांगने का मामला हो या फिर खुलेआम स्क्रीन पर धूम्रपान करना, ये सभी पत्रकार आज भी अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं क्योंकि ऑल इज वेल है। पत्रकार दीपक चौरसिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो शराब के नशे में भारत के पहले सीडीएस जनरल दिवंगत बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और इसके साथ ही ये तक भूल जाते हैं कि वो बिपिन रावत की बात कर रहे हैं या फिर वीके सिंह की। मैं कह नहीं सकता, अपने दर्शकों को उन्होंने जो देश के लिए किया वो क्या किया समझ नहीं पाएंगे लोग, लेकिन जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जो एयर स्ट्राइक हुई, जो गलवान में हुआ, उस सब के फोर फ्रंट पे जनरल वीके सिंह थे, वो जानते थे। अब सवाल ये उठता है कि राजनीतिक पार्टियों को, आपने अक्सर देखा होगा टीवी डिबेट्स में राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं को भाषा की मर्यादा का ज्ञान देने वाले ये बड़े बड़े पत्रकार आखिर अपनी मर्यादा क्यों भूल जाते हैं, फिर चाहे वो भाषा की हो या फिर आचरण की।